आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खास वीडियो गेम की जिससे ना ही कभी किसी का दिल भरा है और ना ही कभी किसी का दिल भरेगा। वो कभी भी बोरिंग नहीं होगी, कभी भी स्टेल नहीं होगी और आज भी इतने टाइम बाद उसकी अपनी एक लाइव डेडिकेटेड प्लेयर बेस है। डेवलपर्स के बाद फैंस ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ नए मैप्स और मोड्स डाल के उस गेम को मॉडर्न सपोर्ट से रखा अलाइव। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या इस गेम की स्टोरी है, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। एज ऑलवेज मैं हूं आपका होस्ट बंटू केज और आज की हमारी वीडियो है व्हाई लेफ्ट फॉर डेड 2 इज एन ऑसम वीडियो। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू MNP जिनकी कोलेबोरेशन से ये सारा कॉन्टेंट बनाना मेरे लिए हो रहा है पॉसिबल। मजीद और जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ज़ॉम्बी यानरा गेमिंग के क्राउन जूल्स में से एक है और इस थीम पर कई कमाल की वीडियो गेम्स बनी है। लेकिन लेफ्ट फॉर डेड फ्रेंचाइज जरा हट के है क्योंकि इस अकेली फ्रेंचाइज ने आने वाली कितनी फैन फेवरेट्स के लिए रास्ता बना दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स ज़ॉम्बीज, ज़ॉम्बी आर्मी, डेड वॉर, वर्ल्ड वॉर ज़ी और इवन के बैक फॉर ब्लड इटसेल्फ। गेमिंग के लैंडस्केप पे अकेले लेफ्ट फॉर डेड का ही बहुत जोर का इन्फ्लुएंस है। सबसे पहले तो बात करते हैं ओवरऑल पैकेज लेफ्ट फॉर डेड में होता क्या है और इसका जवाब इन शॉर्ट यही है कि कोई बड़े खास ग्लिट्स और ग्लैम नहीं ये गेम देती बल्कि एक बड़े ही सिंपल से फॉर्मूला पे बेस्ड है और वो है 4-player co-op एक्शन जिसको आप सोलो भी खेल सकते हैं प्रॉपर स्टोरीज के साथ। स्टोरीज में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर एक कैंपेन के बजाय मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं और सबकी अपनी अलग अलग थीम्स और नरेशंस होती हैं। हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कोई भी लीडिंग प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। वी हैव कोच एंड एवरीबॉडी लव्स कोच। उसके बाद हमारे पास है एलिस, रोशेल एंड निक। मेरा पर्सनल फेवरेट निक है क्योंकि उससे मुझे हमेशा स्कारफेस और टोनी मोंटाना टाइप की वाइब्स आती है। लेफ्ट फॉर डेड 2 का शुरू दिखाता है हमें आउटब्रेक के 3 weeks बाद के टाइम में जिधर हमारा क्रू होटल की रूफटॉप पर जाने की कोशिश में लगा होता है ओनली टू फाइंड आउट के जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है वो तो जा चुका है और ये हो चुके हैं अब लेट। और सीन ऐसे है कि ज़ॉम्बीज जो है ना वो किसी भी टाइम अब अन्नी पा देंगे एंड बाय दैट आई एक्चुअली मीन के ज़ॉम्बीज वाकई जो है ना फुल तबाही बचा देते हैं इस गेम में। तो ये है सेटिंग पूरी कैंपेन की। अगेन बड़ी ही ऑन ग्राउंड है, इजी टू पिक अप है और लेट्स बी ऑनेस्ट जरूरी ये भी नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स या लूप होल से भरी हुई स्टोरी हो तो वो एंगेजिंग होगी। ये गेम प्रूव करती है कि डिलीवरी अगर आपकी अच्छी हो और डिलीवरी अगर आपकी स्ट्रांग हो तो आपका बेसिक सा नैरेटिव भी बहुत ज्यादा वंडर्स कर सकता है। जिस डिपार्टमेंट में ये गेम ट्रूली शाइन करती है वो है गेम प्ले, जिसको वेल्व ने इतने स्मार्टली डिजाइन किया है कि एक दफा खेल के कोई भी इसे इजीली ग्रिप कर जाता है। हर कैंपेन की अपनी थीम होती है, जैसे कि डार्क कार्निवल को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये एक अबैंडन्ड जॉयलैंड होता है जिसमें कॉन्सर्ट हॉल, एम्यूजमेंट पार्क जैसी लोकेशंस होती हैं और ये सब कुछ मजीद आगे डिवाइडेड होता है 3 या 4 चैप्टर्स में। आप शुरू करते हैं ओपन एरिया में, फिर होर्ड्स ही होर्ड्स से लड़ के आप पहुंचते हैं एक सेफ रूम में जो कि इधर हमारा चेक पॉइंट टाइप आप कह लें पेस ब्रेकर है गेम का, क्योंकि यहाँ से रीसप्लाई करके आपने निकलना होता है मजीद गेम में और प्रोग्रेशन करने के लिए। तो मेन कोर लूप हमारा हर कैंपेन का यही है कि फाइटिंग करनी है, सेफ रूम में जाना है एंड देन रिपीटेड फॉर लाइक 4 times। बट इस सबको इंटरेस्टिंग बनाते हैं सिनेरियोस जो कि आप जितनी मर्जी दफा खेल लें वो कभी भी रिपीट नहीं होगा एंड एवरी टाइम यू प्ले दिस गेम हर इवेंट आपका डिफरेंट तरीके से अनफोल्ड होगा और ये एक ऐसा फीचर है जो इस गेम में खुद से बहुत ही ज्यादा रिप्लेबिलिटी को ऐड करता है। ऑल्सो देर इज अ लॉट मोर टू दैट। कुछ एरियाज के अंदर छोटे छोटे टास्क या मिशंस भी होते हैं जैसे कि पावर ऑन करना, किसी स्पेसिफिक चीज को बंद करना या किसी ब्रिज को रेज करना और फिर वो इंतहाई जालिम किस्म का वो जॉयलैंड वाला मिशन जिधर हमें आई थिंक रोलर कोस्टर बंद करना होता है। ओए होए होए। ये सब कुछ ऑन पेपर तो सुनने में काफी लाइट और बेसिक सा लगता है लेकिन पता नहीं चलता ये हालात एकदम इस तरह बदल जाते हैं इस गेम के। अगर हम कॉम्बैट की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिंग है। एक आपके पास प्राइमरी वेपन है और एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें एमओ कभी भी खत्म नहीं होता, वो बेसिकली इन्फिनिट होता है और सेकेंडरी में आप जो मर्जी रख लें, गिटार्स, चेनसॉस, गोल्फ क्लब्स, सब मशीन्स एंड व्हाट नॉट। और तो और ये सब कुछ मजीद और एंजॉयबल बना देता है HP पेविलियन गेमिंग 15 लैपटॉप जिस पर ये सारा गेम प्ले मैंने रिकॉर्ड किया है, गेम को खेले और ये सारी वीडियो यूज़ भी इसी पूरे लैपटॉप पर हुई है विदाउट एनी हैसल। इसकी 144 हर्ट्ज वाली स्क्रीन पे एवरेज FPS थे 130s की रेंज में और गेम इतने फ्लो में चलती है कि यकीन करें टाइम लग रहा था सिर्फ एडजस्ट होने में, क्योंकि मैं तो 30 FPS का आदी हूँ और मुझे इतना स्मूथ गेम प्ले देख के जो है ना कसम से मैं हिल गया था पूरे का पूरा। फिर AMD Ryzen 7 4800 की पावर और GTX 1650 Ti की सपोर्ट हो तो दो चीजें गारंटीड होती है, सुपर्ब लेवल की ज़ॉम्बी स्लिंग और अनलिमिटेड गेमिंग सेशंस। यूजुअली तो मैं गेम कंट्रोलर से ही खेलता हूँ लेकिन अब मैं स्लोली कीबोर्ड और माउस पर ग्रिप ला रहा हूँ एंड गिवन द फैक्ट कि इस लैपटॉप का कीबोर्ड भी बहुत मजे का और उसके अंदर से जो ग्रीन लाइट निकल रही होती है ना पूरे की पूरी वाइब और माहौल बन जाता है उस पर खेलते हुए। इट एक्चुअली एड्स अप टू द होल एम्बियंस।
अगर आप ऑनलाइन दोस्तों के साथ चैट पे हो तो ये टोटली अलग गेम है, क्योंकि सब अपने तरीके से इस गेम को खेल रहे होते हैं। अगर आप सोलो मोड में हो तो बाकी एआई बॉट्स होते हैं जो गेम खुद कंट्रोल कर रही होती है, आप इनको लीड करते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब सीन ये कि जब आप सोलो खेल रहे हो ना, तो आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ता है और आपको उनके साथ रहना पड़ता है टू हैव अ बेटर चांस एट सर्वाइवल। और अगर आप मेरी तरह अंदर के संजय दत्त को बाहर लाने के लिए बार बार बढ़ के आगे जाके ज़ॉम्बी से पंगा करेंगे ना, तो चांसेस हैं कि आपको हर कोने कोने से चिपेड़ने जरूर पड़ेंगी, क्योंकि इधर कोई एक तरह का ज़ॉम्बी थोड़ी है, पूरी वैरायटी है यहाँ पे, विच इज एन अमेजिंग थिंग। एक तो होता है जॉकी, जिसको जफ्फे डालने का इतना शौक होता है और ये कोई ऐसी वक्री किस्म की आइटम है ना, हमेशा ये चीज आपको इट गेट्स यू ऑफ गार्ड। फिर चार्जेस हैं जो आपको ऐसा मदोलते हैं, ओए होए होए। फिर ब्रूट्स हैं जो आपको चुक चुक के जमीन में मारते हैं। और फिर विचेस हैं जिनके साथ पंगा करने पे गेम आपको बार बार रोकती है, लेकिन आपका भाई जिसने फिर बाज नहीं आना, वो हर मौके पे विचेस को स्टार्टल करता है और फिर उनसे बहुत कुट भी खाता है। मोर टू द गेम प्ले, लेफ्ट फॉर डेड 2 में आपको कुछ चीजों का ख्याल करना होता है। एक तो आपने अपने सप्लाईज को मैनेज करना है, क्योंकि अगर मुश्किल टाइम पे आपका एमओ खत्म हो जाए ना, तो समझे आपका काम हो गया तमाम। और दूसरा है मेडकिट्स और यूटिलिटीज, क्योंकि आजकल की गेम्स की तरह ये गेम जो है ना, आपको हर पे कोने कोने पे लूट नहीं देती और ऑब्वियस सिचुएशंस में नहीं डालती, बल्कि विद एवरी स्टेप यू टेक देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट। तो वो जो एलिमेंट ऑफ चैलेंज और टाइट डिफिकल्टी है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होता है इस गेम में। गेम मोड्स में कैंपेन से हटकर हमारे पास है सर्वाइवल, जिसमें एंडलेस वेव्स आती हैं, आपने करना होता है उन्हें सर्वाइव। वर्सेस सर्वाइवल में प्लेयर्स ही ज़ॉम्बीज होते हैं। रियलिज्म वर्सेस में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर जो है वो ज़ॉम्बी बना हुआ है, और उसमें जो है ना फिर बड़ा ये खीर किस्म का शुगर लगता है। और उसके साथ हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन भी है, देन वी हैव स्कैवेंज, रियलिज्म एंड म्यूटेशंस। टोटल कैंपेन्स 7 है, लेकिन अब अगर आप लेफ्ट फॉर डेड 2 खरीदते हैं तो आपको फर्स्ट गेम के भी सारे कैंपेन सिनेरियोस मिल जाते हैं और साथ में कैरेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो ये टोटल मेरे ख्याल से आपको कोई 12-13 डिफरेंट किस्म के जो है वो कैंपेन्स खेलने को मिलते हैं। एंड टॉक अबाउट वैल्यू मैन, देयर सो मच ऑफ वैल्यू एंड रीप्लेएबिलिटी। और गिवन आज के टाइम पे $60 की पूरी रिटेल प्राइस पे भी आप एक गेम खरीदो तो उसमें बेयर मिनिमम कंटेंट होता है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ये गेम जरूर खरीदें। सो माय फ्रेंड्स, गिवन वेल्व का दौर है पुराना था काफी और ये गेम करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से विजुअली वो पंच पैक नहीं करती, बट स्टिल टू डेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, हम वीडियो गेम्स क्यों खेलते हैं? टू गेट अ किक आउट ऑफ इट, टू हैव फन, फॉर अ ब्रेक, यू नो, सारी चीजें भुला के टू किक बैक एंड रिलैक्स सोलो या अपने फ्रेंड्स के साथ। और लेफ्ट फॉर डेड 2 एक ऐसी गेम है जो गारंटीड फन लेके आती है साथ, दैट ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल। मुझे आज भी इस गेम का बहुत मजा आ रहा है खेलने का, और बहुत अरसे से मैं इस गेम के बारे में रिविजिट रिव्यू बनाना चाह रहा था, अनलकीली मैं उसे नहीं बना पा रहा था, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ MNP एंड देयर अमेजिंग कोलैबोरेशन अब मैं इस गेम को खेल भी सकता हूं और उस पे कंटेंट भी बना सकता हूं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जिन्होंने लेफ्ट फॉर डेड खेली हुई है मुझे जरूर बताएं आपको ये गेम कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं खेली वो इस वीडियो के बारे में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किस गेम का रिविजिट रिव्यू देखना चाहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।